जिंदगी में कभी किसी को दोष मत दीजिए। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हिंदू कौन है क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो आइए आज आपको बताते हैं। हिंदू शब्द की खोज हीनम दुष्यति इति हिंदू से हुई है, जिसका अर्थ है जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू शब्द करोड़ों वर्ष प्राचीन संस्कृत शब्द से बना है। यदि संस्कृत के इस शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं यानी कि तोड़ते हैं तो हीन प्लस दु यानी कि हीन भावना प्लस से दूर, अर्थात जो हीन भावना या दुर्भावना से दूर करे मुक्त रहे वो है हिंदू। हमें बार बार सदा झूठ ही बताया जाता है कि हिंदू शब्द मुगलों ने हमें दिया, जो सिंधु से हिंदू हुआ। हिंदू शब्द की वेदों से ही उत्पत्ति मानी गई है। जानिए कहां से आया हिंदू शब्द और कैसे हुई इसकी उत्पत्ति। कुछ लोग यह कहते हैं कि हिंदू शब्द सिंधु से बना है और यह फारसी शब्द है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल झूठ फैलाया जा रहा है। हमारे वेदों और पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि हमें हिंदू शब्द कहां से मिला है। ऋग्वेद के बृहस्पति अज्ञम में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार आया है। हिमालयम समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदू स्थानम प्रचक्षते, अर्थात हिमालय से इंदु सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। केवल वेद ही नहीं बल्कि शैव ग्रंथ में हिंदू शब्द का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। हीनम च दुष्यत एव हिंदू री तयुच्यते प्रिय, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। इसी से मिलता जुलता एक श्लोक कल्पद्रुम में भी दोहराया गया है, हीनम दुष्यति इति हिंदू, अर्थात जो अज्ञानता और हीनता का त्याग करे उसे हिंदू कहते हैं। पारिजात हरण में हिंदू को कुछ इस प्रकार कहा गया है, हिनस्ति तमसा पापां दैहिकां दुष्टम हेतिभि शत्रु वर्गम च स हिंदूर अभिधीयते, अर्थात जो अपने तप से शत्रुओं का दुष्टों का और पाप का नाश कर देता है वही हिंदू है। माधव दिग्विजय में भी हिंदू शब्द को कुछ इस प्रकार उल्लेखित किया गया है, ओंकार मंत्र मूलाढ्य पुनर्जन्म दृढ़ाश्यः गो भक्तो भारतः गरु हिंदू हिंसन दूषकः, अर्थात वो जो ओंकार और ईश्वरीय धुन माने, कर्मों पर विश्वास करे, गो का पालन करे तथा बुराइयों को दूर रखे वो हिंदू है। केवल इतना ही नहीं, हमारे ऋग्वेद में हिंदू नाम के बहुत ही पराक्रमी और दानी राजाओं का भी वर्णन मिलता है, जिन्होंने 46,000 गो माता दान में दी थी और ऋग्वेद मंडल में भी उनका वर्णन मिलता है। तो बुराइयों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने वाले सनातन धर्म के पोषक व पालन करने वाले हिंदू हैं और हम सब भी हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए हम अपने आप को परम भाग्यशाली मानते हैं। तो आप भी स्वयं को भाग्यशाली माने और इसी नाम पर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।